everyone, welcome to your favorite show, Mobiles and Gadgets. I'm Shruti Sharma and my friend Dinesh Sharma. 1 second, Dinesh. I can see a different lens today that's recording us. Yes, of course, Shruti, because today we are going to show you Nikon's flagship DSLR professional camera. And obviously, we're looking nice, so it will be good. But, for a better and a fairer review, Dinesh has fiddled with this camera. So, let's see how is this camera's review. मैं लेके आया हूं प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए ऐसा कैमरा जिससे आप बेस्ट पिक्चर्स और वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं. यू गेस्ड इट राइट, मैं बात कर रहा हूं Nikon के फ्लैगशिप DSLR कैमरा Nikon D5 की. तो चलिए आइए जानते हैं इस कैमरा के बारे में. एंड ट्रस्ट मी, इट हैज द मोस्ट सैटिस्फाइंग साउंड यू विल एवर हियर. डोंट बिलीव मी, हियर इट. फ्रॉम वाइल्ड लाइफ टू स्पोर्ट्स, ये एक्टिविटीज हमारे अंदर एक अलग ही रोमांच लाती हैं. लेकिन इस रोमांच को हम तक पहुंचाते हैं पावरफुल कैमरास. और इसी को देखते हुए Nikon लेके आया है अपना नया फ्लैगशिप एक्शन ओरिएंटेड DSLR कैमरा Nikon D5, जिसको स्पेशली फोटो जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स के लिए बनाया गया है. और इसका दाम रखा है 4,45,990 रुपए. 20.8 megapixel फुल फ्रेम सेंसर, 153 points ऑटो फोकस सिस्टम और फुल साइज डबल ग्रिप चेसिस इस कैमरा को देखने में टफ और हाथ में कम्फर्टेबल बनाता है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि Nikon D5 काफी ह्यूज और मस्कुलर कैमरा है. बिना लेंस के इट वेज 1,405 grams. लेकिन इसका भी एक रीजन है, वो भी गुड रीजन. Nikon ने इसे इस तरीके से इंजीनियर करा है कि ये किसी भी वेदर में काम कर सकता है. इन फैक्ट इट इज द बेस्ट वेदर रेसिस्टेंट कैमरा इन द वर्ल्ड. ये डिवाइस आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी इन एनी सिचुएशन. यही नहीं, इट माइट इवन टेक अ बुलेट. वेल, ये टेस्ट करना शायद थोड़ा डेडली हो जाएगा, सो लेट्स लीव इट. और ये सब इसलिए क्योंकि ये कैमरा आता है टफ मैग्नीशियम एलॉय शेल के साथ. इसके साथ इस कैमरा को और बीफी जो बनाती है वो है इसकी बैटरी. तकरीबन 3,780 शॉट्स का बैकअप देने वाली बैटरी ना सिर्फ आपको बहुत सारा शूटिंग ऑफर करती है, बल्कि इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ इंक्रीज्ड एफिशिएंसीज विद इन द कैमरा. D5 को हाथ में पकड़ने पर आपको इसकी ग्रिप काफी चंकी लगती है और इसके लेंस माउंटिंग प्लेटफॉर्म काफी शार्पली डिफाइन किए गए हैं. यही नहीं, इस बार एडिशनल फंक्शन बटन हैज बीन एडेड लेफ्ट ऑफ द लेंस माउंट. मूवी रिकॉर्ड बटन को ISO के न्यू बटन को अकोमोडेट करने के लिए लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया गया है. हालांकि कुछ लोगों को ये नया एडिशन शायद पसंद ना आए, लेकिन प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स इस ट्रेडिशनल बटन का ना होना पसंद ना करें. मोड बटन को व्यू फाइंडर के ऑपोजिट साइड पर प्लेस करना शायद Nikon के हाई एंड कैमरास के लिए एक अच्छा मूव हो सकता है. Nikon D5 आता है नए 20.8 megapixel फुल फ्रेम CMOS सेंसर के साथ, जिसे Nikon ने इन हाउस ही डेवलप किया है. एंड इट इज डिजाइन फॉर कैप्चरिंग इमेजेस विद बेटर क्वालिटी एट हायर ISOs. इन फैक्ट D5 का हायर ISO डायनेमिक रेंज को अपने प्रीडिसेसर यानी D4S को सरपास कर देता है. D4S से 4 megapixel ज्यादा होने के बावजूद Nikon D5 में ज्यादा फर्क नहीं दिखता इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन, बट इट स्टिल कैप्चर्स शार्प डिटेल्ड इमेज फाइल्स. और ओवरऑल भी D5 के सेंसर्स काफी इम्प्रेसिव इमेज क्वालिटी ऑफर करते हैं. Nikon ने इसके ऑटो फोकस और मीटरिंग सिस्टम्स में कुछ खास चेंजेस भी किए हैं. नया सेंसर और इमेज प्रोसेसर, ISO सेंसिटिविटी रेंज में एक्सपेंशन और 4K रेजोल्यूशन पर मूवीज रिकॉर्ड करना शामिल है. इसके साथ ही अब D5 का मॉनिटर टच स्क्रीन इनेबल्ड है एंड इट्स रेजोल्यूशन हैज बीन इंक्रीज्ड टू 2,37,60,000 डॉट्स. ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि Nikon D5 को बनाया गया है स्पेशली प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए, हु नीड अ फास्ट रिस्पॉन्सिव कैमरा दैट कैन शूट इन लो लाइट एंड सर्वाइव द ओड नॉक. अपनी 12 फ्रेम पर सेकंड की मैक्सिमम कंटिन्यूस शूटिंग रेट, सुपर क्विक ऑटो फोकसिंग, ह्यूज सेंसिटिविटी रेंज और टैंक लाइक बिल्ड से ये आपको हर एरियाज में इम्प्रेस करेगा. लेकिन क्या वाकई में आपको इस कैमरा पर ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए खर्च करने चाहिए? वेल, इसका जवाब हम नहीं बल्कि आपकी जेब ही आपको देगी. So Shruti, how was this DSLR camera? Oh, stuck. I wish I could buy it. Itna expensive, but... Itna expensive? Toh aapke paas kya budget mein humare? Budgeted smartphone. Oh, smartphone se yaad hai. Wait, last week aapne humare viewers ko kuch promise kiya tha. What is that? I live up to my promise. Ji haan, Huawei ka Honor 5C. Jaisa ki humne promise kiya tha, hum aapke liye phone ka review laenge. So, there you go. Oh,
When the going gets tough, the tough gets going. ये लाइन आज की स्मार्टफोन मार्केट में बखूबी बैठती है. कंपटीशन दिन ब दिन तगड़ा होता जा रहा है और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को कम दाम में बेहतर से बेहतर फीचर्स देने का प्रेशर है. और इसी मार्केट में हुआवी अपने सब ब्रांड ऑनर का नया फोन लाया है, ऑनर 5C, जिसका दाम रखा है 10,999 रुपए. तो आइए जानते हैं कि क्या हुआवी का नया बजट स्मार्टफोन बजट सेगमेंट के प्लेयर्स को टक्कर दे पाएगा. ऑनर के फोन्स हमेशा से ही गुड लुकिंग और स्टाइलिश रहे हैं और इस बार भी ऑनर 5C ने डिजाइन के मामले में निराश नहीं किया. हालांकि ऑनर 5C ऑनर के पिछले फोन 5X से देखने में काफी सिमिलर लगता है, स्पेशली इसकी बैक जिसको पूरा ब्रश्ड मेटल फिनिश से बनाया गया है. लेकिन इसकी साइड, टॉप और बॉटम को अलग डिजाइन और टेक्सचर दिया है जो इसे 5X से अलग बनाती है और इनफैक्ट ये देखने में भी 5X से बेहतर लगता है. इसके अलावा भी नए ऑनर 5C में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे ऑनर 5C में दी गई छोटी 5.2 इंचेस की स्क्रीन जिसके फ्रंट को 68.7% को कवर करती है. साथ में छोटे साइज होने की वजह से ये काफी इजी टू हैंडल डिवाइस बन जाती है. लेकिन वेट और थिकनेस के मामले में भी ये फोन काफी सिमिलर है. इसके बैक पर नजर डालेंगे तो आपको मिलता है कैमरा और उसके ठीक नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसे आप फोन अनलॉक करने के अलावा एप्स को लॉक और अनलॉक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. इसके राइट हैंड साइड पर आपको मिलेंगे वॉल्यूम रॉकर कीज और पावर बटन, तो वहीं लेफ्ट हैंड साइड पर दिया है हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट. हालांकि छोटी स्क्रीन होने की वजह से ये डिवाइस हैंडी तो जरूर है, लेकिन अगर व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको उतना मजा शायद नहीं आएगा. स्क्रीन की ब्राइटनेस काफी कम है और इस पर कलर्स रिप्रोडक्शन भी थोड़े डल हैं. तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने फोन पर वीडियोस और गेम्स खेलना पसंद करते हैं तो शायद ये डिवाइस आपके लिए नहीं है. बजट सेगमेंट में कंपटीशन टफ इसलिए हुआ है क्योंकि हर एक कंपनी कम दाम में फ्लैगशिप फोन की स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर रही है. तो क्या ऑनर भी इसी लिस्ट में है, आइए जानते हैं. ऑनर 5C में ऑलमोस्ट 5X वाली ही स्पेसिफिकेशंस है विद सम लिटिल डिफरेंसेस. और सबसे विजिबल डिफरेंस है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 616 के बजाय किरीन 650 SoC को यूज करना, जिसे हुआवी की सब्सिडरी हाई सिलिकन ने बनाया है. और कंपनी का कहना है कि ये प्रोसेसर बेहतर परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ में मदद करता है. इसके साथ में दी है 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज और ये रन करती है एंड्रॉइड 6.0 पर. लेकिन शायद यही ऑनर भूल गया कि इस प्राइस सेगमेंट में 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी एक स्टैंडर्ड ऑफरिंग बन चुकी है. लेकिन यहाँ इस फोन की तारीफ करनी होगी कि 2GB रैम होने के बावजूद ये फोन अच्छी परफॉर्मेंस देता है थैंक्स टू एन अग्रेसिव मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम जो रैम से अनवांटेड एप्स क्लियर करता रहता है. ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑनर 5C गेव अस प्रीटी डीसेंट परफॉर्मेंस. रोजाना यूज करने पर आपको ये फोन ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन हाँ, इस पर हाई एंड गेम्स खेलने और ज्यादा देर वीडियोस देखने पर ये फोन थोड़ा लैग और हीट जरूर होता है. बैटरी लाइफ के मामले में फोन ऑनर 5X से बेहतर है. 3000mAh बैटरी होने के बावजूद ये फोन 8 से 9 घंटे का बैकअप इजीली दे देता है. लेकिन आज के समय में एक स्मार्टफोन में कैमरा बहुत बड़ा फीचर बन चुका है और ऑनर ने भी 5C में 13MP प्राइमरी कैमरा और 8MP सेकेंडरी कैमरा देकर ग्राहकों को लुभाने की कोशिश की है. और अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो इट्स परफॉर्मेंस इज प्रीटी मच ऑन पार. इससे डे लाइट में क्लिक की गई पिक्चर्स डिटेल्ड आती हैं, लेकिन लो लाइट में लिए हुए शॉट्स में कलर थोड़े लूज होते हैं. लेकिन ओवरऑल इस प्राइस रेंज के फोन से इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना थोड़ा ज्यादती होगी. हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए एयर प्यूरिफायर जो हेल्दी एयर देता है, फ्रेश एयर देता है, एंड योर ब्रीदिंग इज लाइक टू कूल. यू नीड इट टू, राइट? Yeah, so just take a look how you get fresh air with these air purifiers. Well, we at Mobile Gadgets, हम ये मेक श्योर करते हैं कि हर हफ्ते में आपको नई से नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाएं और एक अलग अंदाज में. Well, आज मैं आई हूँ बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ द यार्ड में, लेकिन बिफोर माई फ्रेंड्स कम इन, आई थॉट कि मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं जिसके बारे में हम जानते तो हैं पर हाँ उसकी यूटिलाइजेशन के बारे में हमें कुछ खास नहीं पता होता है. जी हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको मिलवाऊंगी कैसे एयर प्योरीफायर से जिसको खासी तरह से डिज़ाइन किया गया है कमर्शियल स्पेस के लिए, फिर चाहे वो एक रेस्टोरेंट या लाउंज क्यों ना हो, हॉस्पिटल क्यों ना हो या कोई बड़ा ऑफिस स्पेस क्यों ना हो. वेल, मीट फिलिप्स एयर प्योरीफायर सीरीज 6000. वेल, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटिफुल लुकिंग एयर प्योरीफायर मशीन है ये, काफ़ी स्लीक है एंड नॉट टू मैंशन कि ये ईजी टू कैरी भी है, इसे आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर आप कैरी कर सकते हैं. फंक्शनिंग वाइज काफ़ी आसान है.
लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी एयर प्योरीफायर को शुरू करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले, यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि जो इसके फिल्टर्स होते हैं, वो चारों फिल्टर्स जो लेयर्स होते हैं, उनको आप एक बार निकाल के वापस से इंस्टॉल करें और फिर अपने एयर प्योरीफायर को शुरुआत करें। पर चलिए थोड़ा और नज़दीकी से जानते हैं एयर प्योरीफायर को जो सीरीज 6000 को बिलोंग करता है। इस एयर प्योरीफायर की खासियत, यहाँ पर कंपनी का दावा ये है कि ये दिया गया है कि दिस एयर प्योरीफायर फाइट्स अगेंस्ट PM2.5 पार्टिकल, जिसका मतलब ये है कि जितने भी डस्ट पोल्यूटेंट्स और एलर्जेंस जैसे कि पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोब्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर पाए जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में या हॉस्पिटल में, कंसिडरिंग कि जो फुटफॉल होता है ऐसी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा होता है, ये PM2.5 के अगेंस्ट फाइट करता है और काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट करता है। और उसका वो आपको एक लाइव एग्जांपल देता है अपनी ही मशीन पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो इंडिकेट करता रहता है टाइम टू टाइम कि कितने पोल्यूटेंट्स को उसने मार गिरा है। फिलिप्स के इस एयर प्योरीफायर की हमने खासियत तो आपको बता दी, लेकिन जो हमें इसका सबसे बड़ा या कह लीजिए एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट लगा, वो थी इसकी प्राइसिंग। इट हैज़ बीन प्राइस्ड एट क्लोज टू 68,000 रुपीज़। बट वेल कंसिडरिंग कि ये एयर प्योरीफायर 6000 बना ही कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए है और ये काफ़ी बड़े पैमाने पर एयर पोल्यूशंस और माइक्रोब्स से लड़ता है, वेल वी थिंक कि समवेयर द प्राइस इज जस्टिफाइड। लेकिन हाँ, अगर आप आपका बजट थोड़ा सा टाइट है और अगर आप एक छोटे से ऑफिस स्पेस के लिए एयर प्योरीफायर ढूंढ रहे हैं, तो हमारे पास आपके लिए मून बाव का एक और एयर प्योरीफायर है। चलिए अब आपको उसके बारे में बताते हैं। फ्रेश एयर किसको पसंद नहीं है, ताज़ा खुली हवा, और इसी ताज़ा खुली हवा के लिए हम अक्सर कई सारी जगह पे जाते हैं, कई सारे हॉलीडे डेस्टिनेशंस को ढूंढते हैं ताकि हम एक रिलैक्सिंग वीकेंड या एक वेकेशन बना सकें एक ताज़ा खुली हवा में। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा नेक्स्ट प्योरीफायर है वो है मून बाव का एयर प्योरीफायर। सबसे बड़ी खासियत इस एयर प्योरीफायर की ये है कि ना सिर्फ ये एयर पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करता है एक कहते हैं इनक्लोज्ड स्पेस में, बल्कि मेक श्योर करता है कि आप जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं वो फ्रेश और आपको एनर्जेटिक बना दे। जी हाँ, मून बाव एयर प्योरीफायर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जहाँ ये एक बजटेड रेंज में आपको कई सारे एयर प्योरीफायर्स ऑफर करता है 12,000 से 35,000 के बीच में, वहीं पर आप इसे ना सिर्फ ऑफिस स्पेस में या सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी में, इसे आप घर में भी अपने एज अ एयर प्योरीफायर यूज़ कर सकते हैं। ये प्योरीफायर काम करता है 5 फिल्टर की टेक्नोलॉजी पर। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस एयर प्योरीफायर की खासियत ये है कि ये ना सिर्फ एयर पोल्यूटेंट्स को किल करता है, बट इट मेक श्योर कि आपको फ्रेश एयर भी ब्रीथ करने के लिए मिले। UVC, जैसा कि मैंने बताया कि ये वो फीचर है जिससे कि बैक्टीरियाज और जो छोटे लेवल पे जो वायरसेस होते हैं जो आपको दिखते नहीं है, इस मोड को ऑन करने के बाद ये उसके लिए एक्टिवेट हो जाता है। देयर इज अ टाइमर दैट 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद अगर आप चाहते हैं कि एयर प्योरीफायर बंद हो जाए, वो बंद हो जाएगा। ऑटो इज अपने हिसाब से रूम टेम्परेचर के हिसाब से देखकर पोल्यूटेंट्स को डिटेक्ट करके उस हिसाब से ये एयर प्योरीफायर काम करता है। एंड वेल ऑफ कोर्स देयर इज द स्टैंड बाय मोड। श्रुति, आई थिंक मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। आई थिंक आई एम लुकिंग फॉर अ राइट गर्ल इन माय लाइफ। अरे, व्हाई डोंट यू मैरी अ स्मार्टफोन यार? स्मार्टफोन? हां, रियली। चेक आउट द टेक बज एंड द टेक्नोलॉजी न्यूज़। देयर इज अ गाय हु इज बाइंग अ स्मार्टफोन। अगर आप भी अपने बच्चों को शार्प और स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो गूगल लेके आया है अपना नया प्रोजेक्ट ब्लॉक, जो आपके 5 साल से बड़े बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाता है। हालांकि प्रोग्रामिंग या छोटी से छोटी एप्लीकेशन को बनाने में आपको कंप्यूटर के सामने काफी समय लगाना पड़ता है, लेकिन गूगल का कहना है कि प्रोजेक्ट ब्लॉक को काफी रिसर्चर्स और एजुकेटर्स ने मिलकर बनाया है, जिसे बच्चे खेलते खेलते सीख सकते हैं। प्रोजेक्ट ब्लॉक में दरअसल रिसर्चर्स ने फिजिकल और इलेक्ट्रिकल ब्लॉक्स डिजाइन करे हैं, जिसे आप जोड़कर एक रियल प्रोग्राम फॉर्म कर सकते हैं। भले ही वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑटोमेटेड टॉय क्रिएट करना हो, या फिर ऐसी डिवाइस जिससे आप स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स पर मैसेज भेज सकते हैं, प्रोजेक्ट ब्लॉक से आप सब कुछ छुट्टियों में सीख सकते हैं। प्रोजेक्ट ब्लॉक से आपका बच्चा प्रोग्रामिंग जरूर सीखता है, लेकिन इतना भी नहीं कि स्कूल के बाद सीधा उसे सिलिकन वैली में जॉब मिल जाए। लेकिन गूगल का मकसद ये है कि आपका बच्चा बचपन से ही शार्प और फोकस्ड रहे, जिससे उसका भविष्य उज्जवल बन सके। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी
लॉस एंजलिस में रहने वाले 34 साल के एरन शर्विनैक ने अपने स्मार्टफोन से शादी कर ली। एरन ने लास वेगास जाके अपने स्मार्टफोन से एक चैपल में शादी की। उनका कहना है कि लोग अपने फोन से इमोशनली जुड़े होते हैं और उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने फोन से ही शादी कर ली जाए। एरन ने कहा कि लोग अपने स्मार्टफोन से बहुत अटैच्ड होते हैं, हर वक्त अपने स्मार्टफोन के साथ ही रहते हैं, फोन के साथ सोते और जागते हैं और उठते ही पहली चीज अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं। एरन ने कहा उनके स्मार्टफोन के साथ अब तक की उनकी लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप रही है।